हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर। इसमें हम लोग, ये वीडियो बहुत स्पेशल है पहली बार, ठीक। इस वीडियो में हम लोग कोई फ्री वीडियो सीरीज़ की बात नहीं करेंगे कि इकनॉमिक वन लाइनर, इकनॉमिक टर्म, जियोग्राफी वन लाइनर, हिस्ट्री वन लाइनर, ऐसा कोई बात नहीं करेंगे इसमें। इसमें आप लोग की बात करेंगे कि इन 15 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप एसएससी 131 का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत ही अच्छे रैंक से निकाल पाएँ। सबसे पहला जो डाउट है बच्चों का वो ये है कि सर 15 दिन में किया जा सकता है? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि बेटा देखो, ये इम्पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नथिंग मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। तो आपको सिंगल गोल फोकस करना पड़ेगा 15 दिन में। भूल जाइए सब कुछ, बस एसीसी को टारगेट करिए, फिर देखिए एसीसी डिफेंस एकेडमी आपके इस इम्पॉसिबल टास्क को कैसे पॉसिबल करता है। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डाउट्स इसमें आप लोग के लिए गए हैं, बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है। मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिफोर बिकमिंग एन ऑफिसर इट इज़ नेसेसरी टू थिंक लाइक एन ऑफिसर। ऑब्वियस ही बात है, अधिकारी बनना चाहते हैं ना, तो अधिकारी जैसी सोच पहले लाइए। अधिकारी वाली सोच क्या होती है इस समय खासकर? वो ये होती है कि देखो, जिस आप टेंशन से आप लोग दो चार कर रहे हो ना, क्या होगा कि नहीं होगा, सिलेबस छूट रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, जो टारगेट बना रहे हैं वो भी अचीव नहीं हो रहा है, बहुत परेशान है, क्या करें। तो जब आप ऑफिसर बनोगे ना, तो आपको देखोगे कि डेली ये सब थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आएंगे, डेली इस प्रकार का टेंशन आपके दिमाग में रहेगा। यार सोल्जर सोल्जर होता है, ऑफिसर ऑफिसर होता है, सीधी बात। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसको टेंशन लेने की, प्रेशर एब्जॉर्ब करने की उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है सोल्जर के अपेक्षा, ठीक है। तो जब आप इस युद्ध में आ गए हो, इस वॉर में आप लोग आ गए हो कि नहीं ऑफिसर बन के जाना, फिर किस बात का प्रेशर है यार? अरे होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? आपका जो प्लेटफॉर्म बना है उससे तो नीचे नहीं आओगे ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट देना, ठीक। पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि एक चीज़ और याद रखना, कि इस समय जो लोगों को लग रहा है कि अरे यार क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं भूल रहे हैं, वो नेचुरल प्रोसेस है। वो हमारे साथ भी होता है। एग्ज़ाम जो भी इस हिंदुस्तान में एग्ज़ाम दे रहा है वो पढ़ता है, फिर भूल जाता है, फिर उसको रिवीजन करता है, फिर भूल जाता है। तो एग्ज़ाम में जब पेपर मिलता है ना, तो उसको सब एकदम आँख में छप जाता है कि यार यही तो आंसर होगा इसका, ये नेचुरल है, उसको लेकर टेंशन ना लो, ठीक। बेस्ट अप्रोच इन दिस टाइम, क्या अप्रोच होनी चाहिए 15 दिन की, को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ एज एजुकेटर एंड एज अ योर फ्रेंड। रिवाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ मेंशन्ड इन द सिलेबस। पहली बात तो सिलेबस उठाइए, हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर। हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो भी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, ठीक है ना। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सीधे हर सब्जेक्ट का नाम लिखिए, एसीसी डिफेंस एकेडमी लिखिए, जाइए वीडियो देख लीजिए। ऑपरेशन कर दिया गया है हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का, हर एक सिलेबस के पॉइंट का ऑपरेशन करके दिया हुआ है। उसको देखिए, आप देखिएगा आपका मोरल लेवल गजब बूस्ट कर जाएगा, लगेगा कि हाँ यार 15 दिन में चमत्कार हो सकते हैं, और जब चमत्कार है तो नमस्कार है। डोंट इग्नोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिसने भी इन 15 दिनों में ये गलती कर लिया कि यार PYQ नहीं देखे, तो मान के चलिएगा कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग तो वैसे भी सोल्जर हो यार, आप लोग से एक छोटी भी मिस्टेक की अपेक्षा लोग नहीं करते हैं, तो इसमें भी मत करिए। PYQ देखिए, देखिए चीज़ें कितनी आसान हैं। इस समय भी अगर आप सिंगल गोल फोकस करके काम करेंगे ना, तो मान के चलिए कि इतिहास रच देंगे। स्मार्ट स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। अब स्मार्ट स्टडी क्या है? मैंने जो आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि चैप्टर वाइज आप पढ़ लीजिए, कि देखो किसी का हर चैप्टर स्ट्रांग होता है, जैसे किसी का टाइम एंड वर्क स्ट्रांग है। आप PYQ उठाइए, देखिए हर साल कौन सा चैप्टर टॉपिक रिपीट हो रहा है, रीजनिंग का तो पूरा रिपीट होता है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे टाइम एंड वर्क है उसको पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री है उसको पढ़ लिए, हाइट एंड डिस्टेंस है उसको पढ़ लिए, क्वेश्चन वही से आ रहा है भाई। अगर हम जैसे मान लो, देखो इस दुनिया में ना कोई भी परफेक्ट स्टेज नहीं होता है कि नहीं अब मेरा परफेक्ट स्टेज, अब मैं स्मार्ट स्टडी करूँगा, स्टडी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी परफेक्ट स्टेज। चीज़ें ऐसी ही हैं, प्रेशर में ही हैं, चल रही हैं, आगे भी चलेंगी, ठीक है। तो उसको लेकर टेंशन ना लो कि मेरा उतना समय बीत गया, जब जागो तभी सवेरा। आप
स्मार्ट स्टडी कैसे करोगे? स्मार्ट स्टडी करने का एकमात्र तरीका ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाई, लगा डालिए उसको यार, 30 से 40 क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 40 क्वेश्चन वहाँ तुम्हारा लग जाएगा ना। उससे आपको क्या पता चलेगा कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, हर साल सवाल आ रहे हैं, वो सवाल लगा लीजिए, वो कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, काम खत्म। स्मार्ट स्टडी इसी को बोलेंगे, रदर देन कि पूरा सिलेबस उठा के एकदम देख रहे हैं, दिमाग एकदम बावला हो गया, सो रहे हैं, फिर दिमाग थक गया, फिर सो रहे हैं, फिर दिमाग किताब का भी बंद कर सोचे अब नहीं होगा एग्ज़ाम में सिलेक्शन, अब चलो कुछ और काम करते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक एन ऑफिसर लाइक टास्क, दिस इज़ नॉट लाइक अ ऑफिसर लाइक एटीट्यूड। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन ऑफिसर, एब्जॉर्ब द प्रेशर, दिमाग को एकदम कूल रखिए। कूल रखेंगे ना, देखिए दिमाग बहुत पावरफुल वेपन होता है, आपको एकदम गजब गजब का आइडिया देगा कि यार ऐसे करें वो हो जाएगा, ऐसे करें ये हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका, तुरंत निकल जाएगा एग्ज़ाम। बूस्ट एनर्जी, देखो जब भी आप लोग कोई वॉर लड़ते हो तो आप लोग की एनर्जी लेवल हाई रहती है, तरह तरह का मोटिवेशन आपको मिलता रहता है, आपस में ही बात करके मोटिवेशन लेते रहते हैं, तो सेम यही यहाँ पर कर दीजिए, एनर्जी लेवल तो हाई रखो यार। अब सोचो इंसान जिंदा है तो जिंदा दिखना चाहिए, ठीक। अब कहो मुर्दे को लेके जाओ, कहो एग्ज़ाम निकाल लो, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा वो, कहेगा अरे छोड़ो यार उसे तो पेन भी नहीं उठाई जा रही है। सेम कंडीशन होती है, दिमाग को और अपने एनर्जी लेवल को हाई रखिए। अरे यार इतना सोचो कि नहीं होगा तो नहीं होगा, बात ख़त्म, इससे बड़ा क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं नौकरी से टर्मिनेट हो जाएंगे, ये भी नहीं, फिर वाई आर यू सो वरी, अटेम्प्ट दीजिए, अटेम्प्ट मिस मत करिएगा, ठीक। एनर्जी लेवल हाई रखो यार, सब चीज़ हो जाएगा। ACC डिफेंस अकेडमी NFR ACC 131, यार ACC डिफेंस अकेडमी आप लोग को जो फ्री वीडियो सीरीज दे रहा है ना, उससे भी अच्छा कंटेंट आपको हमारे पेड बैच में मिल रहा है। कैंडिडेट से पूछ लीजिएगा, टीचर का नंबर उनके पास है, जो कहीं और नहीं मिलता है यार, हर एक कमेंट का रिप्लाई जा रहा है, आप डिमांड करिए अगले दिन वो वीडियो आपके सामने रहेगी। सो ACC डिफेंस अकेडमी का डेडिकेशन जब 15 दिन पहले इतना है तो आप कहाँ से चूक रहे हो, आप भी उसका डेडिकेशन लो, आप भी उस वीडियो का फ़ायदा उठाइए, आप भी अगर पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं करिए, देखिए आपका चमत्कार कैसे होता है। आपने वर्ल्ड कप का T20 मैच देखा होगा, ठीक, उसमें इंडिया 30 गेंद पे 30 रन चाहिए था साउथ अफ्रीका को, और क्लांसन बैटिंग कर रहे थे, डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे, सब लोग जान गए थे कि इंडिया हार गई, प्रिडिक्शन भी साउथ अफ्रीका के फेवर में था, विनिंग प्रिडिक्शन। जब क्लांसन आउट हुए ना तो फिर मैच फंसा, और डेविड मिलर आउट हुए तो मैच ख़त्म हो गया। वहाँ पे अगर इंडियंस ये सोचते टीम इंडिया के, अरे यार अब तो हार ही गए हैं, 30 रन दे के जल्दी से मैच ख़त्म कराओ, चलो वापस चलते हैं इंडिया, उन लोगों का नहीं, एक गेंद भी बचेगी तो फाइट उसी प्रकार होगी जैसे स्टार्टिंग की गेंद वन होती है। आपको परिणाम दिख गया कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके आई है T20 का। इस प्रकार की एनर्जी डेडिकेशन चाहिए इस समय, ठीक है। शुड बी इग्नोर, और क्या इग्नोर करना है, डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड, दिमाग में संदेह मत रखना बेटा, दिमाग जितना पावरफुल है ना इतना विध्वंसक भी है, डाउट रखोगे तो पूरे करियर की ऐसी तैसी कर देगा दिमाग, और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलोगे ना तो सिलेक्शन एकदम हाईवे के तरीके से आपको मिलेगा। सोचोगे कि यार कल तक हम एस्पिरेंट थे आज ऑफिसर हो गए, दिमाग वो पावरफुल चीज़ है। अब डाउट रखोगे होगा नहीं होगा, डबल माइंड से काम करोगे ना तो दिमाग बर्बाद कर देगा इनको, तो इसको मत रखिए। एक सिंगल एम रखिए कि करना है, या करना है या नहीं करना है, दैट्स इट, बीच में मत रहिए। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट का मतलब क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कुछ सिलेक्शन नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएंगे, ठीक। दोस्त के ग्रुप में बैठ रहे हैं, अरे वो इतना मॉक लगा रहा है, उसका 300 में से 350 आ जा रहा है, वो तो क्वेश्चन देखते ही उसका दिमाग मुंह और जुबान चलने लगता है, उसका हाथ चलने लगता है, ऐसे ऐसे थॉट भी आते हैं यार, ऐसे ऐसी बातें भी होती है ग्रुप में, दूर रहिए, सीधे बोलो। कोई तुमसे पूछे मॉक इधर है, कहो मॉक देते ही नहीं है, चोरी चोरी देते रहो, नंबर कम है किसी को मत बताओ, उस नंबर से मत डरना, वो तुम्हारा प्रैक्टिस है, टेस्ट मैच खेल रहे हो, नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो नंबर कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं है। किसी और को मत बताओ जो तुमको डिप्रेशन में डाल दे कि बस इस दुनिया में कुछ नहीं है, जीवन ख़त्म हो गया है, ऐसा मत सोचना। कोई पूछे मॉक दे रहे, नहीं दे रहे हैं, ACC का एग्ज़ाम देना है, हाँ देना है, ऑफिसर बनना है, बन के रहेंगे, ऐसे एटीट्यूड रखो। डीमोटिवेटेड, यार डीमोटिवेट आप लोग तो मत ही रहो, अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो फिर कैसे काम चलेगा। अब मैंने आपको टीम इंडिया का दिया ना, अगर वो डीमोटिवेट हो जाते तो आज वर्ल्ड कप ना आया होता, तो स्टे मोटिवेटेड। डोंट सॉल्व एंड रीड अननेसेसरी कंटेंट, अब अननेसेसरी कंटेंट उठा लोगे, PDF मटेरियल उठा लोगे टेलीग्राम से, अननेसेसरी
सवाल लगाओ कि टफ टफ सवाल लगाओ कि बस यही IAS निकलवाएंगे। अरे कुछ नहीं यार, आपका पेपर बहुत ईजी लेवल का आता है, और वैसा भी ईजी लेवल पेपर आएगा, तो अपनी नैया अपने हाथ से मत डुबाइए। जो ACAC डिफेंस अकेडमी आपको प्रोवाइड करा रहा है उतना मोर देन इनफ है। आँख मूंद के कर लीजिए, सिलेक्शन लेके बताइएगा, ठीक है, चाहे फ्री हो चाहे पेड हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अननेसेसरी कंटेंट इस समय आपके एम को जला के रख देंगे आपके सामने, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस, डोंट स्पेंड मच टाइम वन थिंग। अब कोई मैथ लगा रहा है पूरा दिन भर मैथ लगा रहा है, कोई फिजिक्स लगा रहा है, कोई साइंस लगा रहा है, कोई सब्जेक्ट को बांट लीजिए, 2 घंटा लगाए 2 ही घंटा लगे, काम खत्म, 2 घंटे बाद बंद कर दीजिए, चाहे वो तुम्हारा फेवरेट सवाल ही क्यों ना हो, ठीक। स्टे अवे विद बाबू सोना। व्हाट डू मीन बाय बाबू सोना? बाबू सोना का मतलब होता है कि बस ग्रुप में बैठे, क्या भाई कैसी तैयारी चल रही है, अरे भाई एक बंदा है उसका एग्ज़ाम ऐसा चल रहा है, मतलब वो 300 में से 350 ला देगा लगता है, उसका भाई ऑफिसर पोस्ट रखा हुआ है, अब पूरे कायनात की जिम्मेदारी है कि उसको अधिकारी बनाए। कहाँ लिखा है भैया ऐसा? इन बाबू सोने से दूर रहो, वो लोग तुम्हारे एम को जलाने के लिए ही आए हैं, क्योंकि उनका खुद नहीं होने वाला है, ठीक। इन सब चीज़ों से दूर रहिए। पर्सनल सजेशन मैं अगर बताऊँ, सिलेक्शन के लिए भी पर्याप्त समय है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ACAC डिफेंस अकेडमी जुड़ेंगे तो और अच्छा है, नहीं जुड़ पा रहे हैं अनफॉर्चुनेट, तो फ्री मटेरियल देखे सिलेक्शन हो जाएगा। जो मैंने स्ट्रेटजी बताई वो देख लीजिए, जितने और सब्जेक्ट उनके टीचर ने स्ट्रेटजी बताई वो देख लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। एटलीस्ट PYQ मस्ट, मैं PYQ पे जोर दे रहा हूँ, मतलब जोर दे रहा हूँ, उसको लगा लीजिएगा। 25 से 50 क्वेश्चन हर साल फंस रहे हैं उसी में से आएंगे, ऑप्शन सहित आएंगे। इजी चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा, इजी चैप्टर मत छोड़िएगा, क्योंकि वो कोई और नहीं छोड़ेगा। डोंट बी प्रेशराइज योर सेल्फ, अपने आप को प्रेशराइज मत करिए, पूरी दुनिया आपको प्रेशर कुकर में डाल के उबालना चाहती है, अगर आप खुद को उबालना शुरू कर दोगे तो दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा। प्रेशर एब्जॉर्बर बनो, ठीक है यार, होगा होगा, नहीं हुआ नहीं होगा, और क्या होगा, ठीक है। स्टडी इन लास्ट 15 डेज यू विल बी इन फाइट, देखो पढ़ लोगे 15 दिन स्मार्ट स्टडी कर लोगे तो अच्छी खासी फाइट में आ जाओगे, जो अभी लग रहा है कि नहीं होगा वो होगा कि यार हो सकता है, हो जाएगा, ये थॉट रहेगा, ठीक। चलिए, डोंट वरी कैंडिडेट्स, ACAC डिफेंस अकेडमी इज़ ऑलवेज विथ यू। रात 9 बजे क्विज लगवाया जा रहा है, उसको ज़रूर दीजिए, आपके एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रैक्टिस करिए, ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, और ACAC रिटर्न एग्ज़ाम लेट्स क्रैक इट। ACAC डिफेंस अकेडमी ने 131 का 3 वीक कैप्सूल लॉन्च किया है, जिसमें शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैं आपको स्टार्टिंग में कर रहा था। थ्योरी MCQ वन लाइनर्स वाली होंगी, थ्योरी नहीं होगी, वन लाइनर MCQ जो लास्ट 15 दिन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे खुद टीचर्स ने, मैंने खुद रिकॉर्ड किए वीडियो जो 8-8, 9-9 मिनट के हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। मैराथन क्लासेस 9 to 11 PM पे लाइव क्लास हैं, जहाँ पे टीचर से इंटरेक्शन करेंगे, डायरेक्ट टीचर से बात करेंगे, अपने डाउट को दूर करेंगे और टेंशन फ्री रहेंगे। मॉक टेस्ट वीकली कराए जा रहे हैं हमारे यहाँ, और डाउट क्लियरिंग क्लासेस, आप डायरेक्ट टीचर से बात करिए, कोई चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को करा दिया जाएगा, कवर कराया जाएगा, जो भी हेल्प आपको चाहिए आपको मिलेगी। 8120745960 व्हाट्सएप करके इस बैच से जुड़ जाएँ। ये PDF नोट्स हैं जो पेड बैच लेने के बाद मिलेंगे, और ये वाला लाइव क्लास के सुनिए तो गूगल मीट पर स्क्रीन वैसे ही पढ़ाते हैं। ऐप के माध्यम से भी ऐप परचेस करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इंटरफेस देखेंगे अपने हिसाब से, अपने एज़ पर नीड आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये अगर आपके यूनिट पे नेटवर्क का इशू होता है बुकलेट ऑर्डर कर लीजिए, जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से तैयार कराई गई है आपके एग्ज़ाम के लिए ही, भर भर के क्वेश्चन वन लाइनर्स MCQ दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए। इस इन बुकलेट्स ने 130 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, तो 131 में और अच्छे परफॉर्म करेंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं, और ये यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट, मोटिवेशन वाले वीडियो, फ्री कंटेंट, इंपॉर्टेंट अपडेट सब कुछ यहाँ मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड विद अस।